मैं हूँ नीला और ये है मेरा जादुई पेट मॉर्फल जो मेरे बोलने से कुछ भी बन सकता है। मॉर्फल, चलो डैडी को बुद्धू बनाते हैं। हाँ, चलो। तुम बन जाओ मैं। बढ़िया, अब ये कपड़े पहन लो। तुम बिल्कुल मेरे जैसे लग रहे हो। वाह! ठीक है, चलो डैडी को बुद्ध बनाएं। मिला ने तो मुझे डरा दिया। मुझे पता ही नहीं चला तुम नीचे कब आ गई। वो इसलिए क्योंकि मैं तो अभी भी ऊपर ही हूँ। पर तो फिर तुम जरूर मॉर्फल हो। हाँ। हाय मीला, तुम और मॉर्फल मेरे साथ खेलने चलोगी? मीला, मॉर्फल यहाँ नहीं है। ओ, पर मीला खेलेगी। ठीक है, चलो चलते हैं। ट्रॉय को पता ही नहीं चला कि वो मॉर्फल है। हाय मीला। हमें कौन सा खेल खेलना है मीला, क्योंकि तुम मजेदार खेल ढूंढने में बिल्कुल माहिर हो। हाँ। पकड़म पकड़ाई। ठीक है मीला, तुम्हारी बारी। क्या? वाओ! पकड़ लिया। वाह, बस अब तुम्हें सिर्फ सारा को छूना है। लेकिन वो कहाँ है? मैं पेड़ पर हूँ। मैं अपने आप यहाँ से नीचे नहीं उतर सकती। ओ, मीला उतारेगी। जरा रुको, तुम तो मीला नहीं हो, तुम मॉर्फल हो। थैंक यू मी मॉर्फल। वाह भाई वाह, लगता है मॉर्फल तुम्हारे साथ नहीं है। पर स्टाइन, लगता है नहीं ये मोर। बिना मॉर्फल के हम तुम्हें अच्छे से परेशान नहीं कर सकते। तुम कितनी छोटी सी हो। मुझे नीचे उतारो। अब तुम कुछ नहीं कर सकती। ये बॉल किसने फेंक कर मारी मुझे? आउच, ये क्या हो रहा है? चलो भागो यहाँ से स्टाइन। हाँ। यहाँ भी मीला आ गई। हमें अकेला छोड़ दो। तुमने उन्हें अच्छा उल्लू बनाया मॉर्फल। मॉर्फल के बिना मैं बोर हो रही हूँ। चलकर उसे ढूंढते हैं। मीला फिर आ गई। हाय मिलार। मॉर्फल, तुम कितने गंदे हो गए। ऐसा क्या किया तुमने? वो पहले तो हमें एक आंटी मिली जिन्हें हमारी मदद चाहिए थी उनकी हैट ढूंढने में। मेरी हैट खो गई है, क्या तुम उसे ढूंढने में मदद करोगे? मॉर्फल एक जासूसी डॉगी बन गया और उस हैट को हर जगह ढूंढने लगा। मॉर्फल को हैट मिल गई। हाँ, जब मॉर्फल ने वो हैट उन आंटी को दी तो वो खुश हो गई।
और फिर हमें मैकेनिक जो मिला। मॉर्फल, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरा गाड़ी खींचने वाला ट्रक खराब हो गया। मॉर्फल बनेगा हाथी। और फिर एक डायनासोर। और फिर एक रोबोट। शुक्रिया मॉर्फल, तुम कार को खींच कर ले जा सकते थे। हाँ। पर बिल्डर लॉरेंस। और फिर बिल्डर लॉरेंस हमसे मदद मांगने आ गए। मैं अपनी ड्रिल बिल्डिंग की छत पर छोड़ आया हूँ। मॉर्फल क्रेन। शुक्रिया मॉर्फल। बहुत अच्छा काम किया मॉर्फल, पर अब तुम्हें नहाना पड़ेगा। नहाना? मॉर्फल को नहाना पसंद नहीं है। मॉर्फल बात तो सुनो। मान जाओ मॉर्फल, बस नहाना ही तो है। मॉर्फल को नहाना पसंद नहीं। पकड़ लिया। अब कहाँ चला गया? तुम यहाँ पर हो। मान जाओ मॉर्फल, बस नहाना ही तो है। नहीं। पकड़ लिया। मॉर्फल को नहाना नहीं है। चलो, शुक्र है कम से कम मॉर्फल ने नहा तो लिया। मॉर्फल को नहाना पसंद है। क्या? अब तुम्हें पसंद आया? ओह नहीं, आपने मुझे हरा दिया मिस्टर आर्चन। मिस्टर आर्चन फिर जीते। मिस्टर आर्चन है एक सुपर हीरो। काश मैं भी एक असली सुपर हीरो होती। ठीक है, मीला है सुपर हीरो। मेरे पास कोई सुपर पावर्स नहीं है मेरे भोले मॉर्फल। मेरे पास है। मीला बन गई सुपर हीरो। वाह, शुक्रिया मॉर्फल। अरे ये क्या? रुक जाओ बेला। सुपर हीरो मीला आपकी बेला को वापस लाएगी। डरो मत बेला, मैं हूँ मीला और ये है मॉर्फल। ओह, तुमने तो इसे ढूंढ लिया। बहुत बहुत शुक्रिया मीला, हमारी सुपर हीरो। रुको, कहाँ जा रहे हो? ओह, तुमने तो इसे ढूंढ लिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया।
सुपर हीरो मीला आपके ट्रक को रोक कर रहेगी। आप चिंता छोड़ दीजिए। शुक्रिया मीला। आइसक्रीम ट्रक को अब तक नहीं रोका है मॉफल। ओह, तुमने मेरी आइसक्रीम ट्रक को रोक लिया। बहुत बहुत शुक्रिया सुपर हीरो मीला। शुक्रिया मत कहिए सर, ये तो मेरा काम है। मीला देखो, बस एक बार और मारो। ठीक है स्टाइल। यहाँ से निकलना होगा। पर हम फंस गए हैं। ये बहुत भारी है। शुक्रिया सुपर हीरो मीला। ये तो मेरा काम है, पर आप जानते हैं मेरा एक और काम क्या है? नहीं, हमको भी बताओ। चोरों को जेल में डालना। मॉर्फल, एक ट्रेन में बदल जाओ। से जानवर? वही जानवर जो हमारी गाड़ी में थे और जो अब गायब हो गए हैं। तो गायब होने से तुम्हारा मतलब है कि ऐसे? हाँ,
तुम्हें ढूंढ लिया, पर वो तीसरा बंदर कहाँ है? ओ, वो खो गया है। चिंता मत करो, हम उसे फिर से ढूंढ लेंगे। तो तुम यहाँ हो? अकेले में बुरा लगता है ना? तुम लोग तो फिर से एक साथ हो गए। चलो और दूसरे जानवरों को ढूंढते हैं। वो भी खुद को बहुत अकेला और उदास महसूस कर रहे होंगे, जैसा तुमने किया। अगर तुम्हें कहीं दिख जाए तो मॉफल को बता देना। ओ, मॉफल, रेल लाइन को हाथी के नीचे ले चलो। बहुत अच्छे, चलो अब औरों को भी ढूंढें। वाह, ये हमारे शेर जैसा लग रहा है। हाँ। बस अब हमें जिराफ को और ढूंढना है। ये देखो, जिराफ यहाँ है। देखा तुमने बंदरों, एक साथ रहने में कितना ज्यादा मजा आता है। चलो अब बीच पर चलते हैं। बाय बाय जिराफ, फिर मिलेंगे। ये हम पहुँच गए। देखो मॉर्फल, बाहर इन सभी चीजों के रंग गायब हो गए हैं। मॉर्फल, एक जादुई पेंट ब्रश बन जाओ। मॉर्फल, घास नीली नहीं होती, हरी होती है। ये क्या कर रहे हो तुम? मेरा सिग्नल ग्रीन था। नहीं, मेरा सिग्नल ग्रीन था। रुको। इन चीजों का भी कोई रंग नहीं है, बिल्कुल मेरी तरह। आहा, तो वो तुम हो जो इस शहर की सारी चीजों के रंग चुरा रहे हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, रंगों के बिना जिंदगी में मजा नहीं आता। ओह, बहुत मजेदार है। हाँ, ये हुई ना बात। चलो कुछ और जानवरों को ऐसे ही मजेदार रंगों में रंगते हैं। Thank you.
तुम यहाँ हो क्रोमा, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। देखो शहर में कितनी परेशानी खड़ी हो गई है, तुमने वहाँ के सारे रंग चुरा लिए हैं। हर चीज को उसके पुराने रंग में वापस रंगने में मॉफल क्रोमा की मदद कर सकता है। कैसे हो? पता नहीं मेरे फायर ट्रक का रंग कैसे गायब हो गया। मॉर्फल और क्रोमा ट्रक के रंग वापस ला सकते हैं। नहीं मॉर्फल, फायर ट्रक का रंग हमेशा लाल होता है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। बहुत बहुत शुक्रिया मॉर्फल और क्रोमा। आप कैसे हैं क्लाउड मॉन्स्टर? शायद आप सही थे। प्लीज आप जाइए। वाह, तुम दोनों ने तो शहर को फिर पहले जैसा कर दिया। मॉर्फल और क्रोमा, तुम दोनों की टीम तो कमाल है। क्रोमा को रंग भरना बहुत पसंद है। हाँ बिल्कुल है। मेरे पास एक आइडिया है। क्रोमा, तुम्हें एक ऐसे दोस्त के पास रहना जिसे रंग बहुत अच्छे लगते हो। तुम्हारी जैसी एक जादुई पेंटर की मेरे जैसे पेंटर को बहुत जरूरत है। आपने तो गाड़ी को चमका दिया पुलिस ऑफिसर फ्रीज। हाँ बिल्कुल, आज दो पुलिस कमिश्नर ये जांचने आएंगे कि पुलिस अफसर होने के नाते मैं अपना काम कैसे करता हूँ। आज हर एक चीज सही होनी चाहिए। ऐसी बात है तो हम खेलने जाते हैं। गुड लक, बाय बाय। शुक्रिया बच्चों। तुमने अपनी ऑफिशियल सफाई वाली टोपी क्यों नहीं पहनी? सफाई टोपी नहीं पहनी? सफाई टोपी? माफ करिएगा, आप दोनों कमिश्नर होंगे, आपका स्वागत है। एक अच्छे पुलिस ऑफिसर को सारे कानून पता होते हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे सारे कानून पता है सर। वो तो मैं देख ही लूंगा। अरे सिग्नल पर लाल बत्ती है। तुम गाते क्यों नहीं? गाना गाओ? अगर पुलिस वाला लाल बत्ती पर रुके तो उसे गाना पड़ता है। मेरी तरफ देखो, मैं कितना खुश नसीब हूँ। कोई फायदा नहीं, मैं ये भी नहीं जानता था। काम के समय तुम नहीं खा सकते। कितनी सारी गलतियाँ। अफसोस की बात है कि हमें आपको जेल में ले जाना पड़ेगा। वो ऑफिसर फ्रीज को अरेस्ट क्यों कर रहे हैं? जल्दी एक रेस कार बन जाओ। हाय मिला और मॉफल, आप जेल में क्यों हैं? मुझे आज ही पता चला कि मुझे बहुत कानून नहीं पता। मैं पुलिस ऑफिसर बनने के लायक नहीं हूँ। कुछ तो गड़बड़ है, हमें इसकी जड़ तक जाना होगा मॉर्फल।
पार्क में टोपी नहीं पहन सकते। जल्दी से झाड़ी बन जाओ। चादर पर पिकनिक नहीं मना सकते, ना इस पेड़ के नीचे और ना खाने के साथ। पीटर फ्रीज को फंसा कर हम कुछ भी कर सकते हैं यॉर्न। हाँ सही कहा। बदमाश। तो उन दोनों ने नए कानून बनाए हैं। चलो अब इन्हें सबक सिखाएं। अरे माफ कीजिए। अरे माफी तो तुम तब मानोगे जब कहाँ गया? एक मिनट। नहीं नहीं वो नहीं वो नहीं वो रहा। हाँ ये उधर मिल गया। हाँ जब कोई आदमी किसी पुलिस कमिश्नर से टकराता है तो पुलिस कमिश्नर को आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है चलो चले यौन। आगे बढ़कर उन्हें अपने लूटे हुए सामान को पुलिस चौकी के सामने रखकर अंदर जाना चाहिए। फिर उन्हें अपनी नकली मूंछों को निकाल कर चिल्लाना चाहिए कि हम दोनों बदमाश हैं। रुको, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ लगती है। कोई गड़बड़ नहीं है। अब तुम जेल में चलो। और ये इनाम मिलता है तुम्हें। भागो। चलो इस खूबसूरत गार्डन में पानी डालते हैं स्पार्की। जरा रोको तो, ये तो पानी का पाइप नहीं है, ये तो सांप है। अब हम हैं खतरनाक जानवरों वाले बदमाश। हम खतरनाक जानवरों को चुराते हैं और उन्हें शहर में छोड़ देते हैं। पर स्टाइन, मुझे तो लगा था कि हम टाइगर को छोड़ो। होगी मॉर्फो। मॉर्फो? मॉर्फो हेल्प नहीं कर सकता, टाइगर डरावना होता है। टाइगर मेरे लिए भी डरावना है मॉर्फो। हाँ वो बहुत खतरनाक होता है, पर तुम्हें टाइगर से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम इतने बड़े हो सकते हो कि टाइगर खुद तुमसे डरने लगेगा। मुझे पता है टाइगर को क्या चीज डरा सकती है। वो देखो, एक बड़ा डायनासोर। मुझे कुछ डर लग रहा है। जानती हूँ, पर तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी। अगर तुम उसे डराने में कामयाब हो गए तो फिर तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगेगा। चलकर शहर से दूसरे जानवरों को भी बाहर भगाते हैं। तुमने कुछ सुना मॉर्फो? इन खतरनाक जानवरों की वजह से लोग घरों के अंदर रहने को मजबूर हो गए हैं। अब हमारा काम बहुत आसान हो गया है। हाँ, और अब हम बन गए हैं फलों के लुटेरे।
एक सेब खाओ और डॉक्टर से दूर हो जाओ। अगर हम इस शहर के सारे फल खा जाएं, तो हमें कभी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे डॉक्टर से बहुत डर लगता है। हमें इन्हें रोकना होगा। एक बड़े से मगरमच्छ में बदल जाओ। भागो, इतना बड़ा मगरमच्छ। मेरी बात सुनो, तुम लोगों को फल चुराने की जरूरत नहीं है। मुझे भी पहले डॉक्टर से डर लगता था, लेकिन मैं फिर भी गई। और अब देखो, मुझे डॉक्टर से बिल्कुल डर नहीं लगता है, क्योंकि किसी चीज का बार बार सामना करने से उसका डर खत्म हो जाता है। सच में? आओ, तुम लोग आ गए, चलो अंदर आ जाओ। ये तो बिल्कुल डरावने नहीं है स्टैन।